गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचानक ज्ञान में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारे आगामी एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी और पैरामेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, हमारा वीडियो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आता है, तो थोड़ा समय निकाल कर वीडियो जरूर करिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिल्फिश एक लैंगिक प्रसूति रोग है जो उत्पन्न होता है। इसका उत्तर बी से हो जाएगा, ट्रिपैनोमा पैलिडम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, एस्कैरिज का संक्रमण प्रायः होता है। इसका उत्तर डी से हो जाएगा, अपूर्ण रूप से पकाए गए शुगर का मांस खाने से। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, कैट स्कैन के आविष्कारक कौन है। इसका उत्तर ए से हो जाएगा, हॉन्स एवं कार्मेड फील्ड। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर बी से हो जाएगा, यूरेनियम 238 का। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर मेडिसिन के ट्रेसर सिद्धांत के लिए 1944 में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, जॉर्ज हेवेशी को। अगला प्रश्न है, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, कोबाल्ट 60 का। हमारा अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, सोडियम 24 का। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो एंटीबायोटिक की मारक क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं कहलाते हैं। इनका ऑप्शन ए से हो जाएगा, बायो इनहेंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, लखनऊ में जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, रिफैमिसिन नामक दवा किस रोग में प्रयुक्त होती है। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, टीबी के उपचार में। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों का विकास रोक देते हैं कहलाते हैं। इसका उत्तर ए से हो जाएगा, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मैड काउ रोग जो विगत वर्षों में गायों के पागलपन के कारण बहुत चर्चित रहा, ये किस कारण द्वारा फैलता है। इसका उत्तर सी से हो जाएगा, प्रियॉन द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, हिपेटोलॉजी संबंधित है। इसका उत्तर बी से हो जाएगा, यकृत का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ लीवर। नेक्स्ट है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। इसका उत्तर ए से हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी कहलाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ट्रैंक्विलाइजर है। इसका उत्तर सी से हो जाएगा, एक्निल। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, लिम्फोसाइट होती हैं। नेक्स्ट है, एंटीबॉडीज किसमें बनती हैं। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, लिम्फोसाइट में बनती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका उत्तर बी से हो जाएगा, मस्तिष्क भाग नहीं लेता है। दोस्तों, यह प्रश्न रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए, कालाजार रोग का जीवाणु है। इसका उत्तर सी से हो जाएगा, लैशमेनिया होता है। अंतिम प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है? इसका उत्तर सी से हो जाएगा, विषाणुओं से होता है। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। अब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।